कार्बन असल में स्वागत है आप सभी का हर्ष बब्बर है मेरा नाम और ये एक वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किया सेल्टॉस के बेस वेरिएंट के बारे में या फिर किया सेल्टॉस के एचडी वाले वेरिएंट के बारे में और उसका फुल इंटीरियर और एक्सटीरियर बैकग्राउंड देखेंगे और बाकी आम जो तय है कि आपको जो किया सेल्टॉस का एचडी वाला वेरिएंट है वो सही लग रहा है उसके प्राइस के हिसाब से और क्या आप इस वाले वेरिएंट को खरीदना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो देखते रहे किया सेल्टॉस के एचडी वाले वेरिएंट के बारे में जानने के लिए। तो आप कार वसल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो लाइक कर दीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कि सेल्टॉस के बारे में, एमजी हेक्टर के बारे में या फिर कोई भी इंडियन या फिर इंटरनेशनल गाड़ी के बारे में। और आप कार वसल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए अगर आपको किया सेल्टॉस के बारे में या फिर एमजी हेक्टर की या फिर कोई भी इंडियन या फिर इंटरनेशनल गाड़ी की अगर आप वॉकराउंड वगैरह देखना चाहते हैं, अगर आप उनके प्राइसिंग वगैरह या फिर अगर आप उनके फीचर्स या फिर कंपैरिजन वगैरह देखना चाहते हैं। जैसे कि जो किया सेल्टॉस ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और उसके जो वेरिएंट्स है काफ़ी ज़्यादा आए हैं इंडिया में और जो बेस वेरिएंट है इस गाड़ी का वो है इसका एचडीई वाला वेरिएंट जो कि इस गाड़ी का बेस वेरिएंट है जिसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 9.69 लाख रुपीज़ एक्सट्रीम इंडिया जो कि इसके पेट्रोल वाले इंजन के लिए है। और आपके सामने आप देख सकते हैं आप किया सेल्टॉस का एचडीई वाला वेरिएंट जो कि सिर्फ दो कलर्स में ऑफर किया जाता है जो कि एक तो आपको स्टील सिल्वर वाला कलर मिलता है और एक आपको जो क्लीन वाइट है वो वाला कलर आपको मिलता है। तो सिर्फ दो ही कलर का ऑप्शन आपके पास है अगर आपको ये वाला वेरिएंट लेना है और जो इंजन आपको दोनों मिलेंगे 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो सबसे पहले अगर आप इसके एक्सटीरियर में देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप इसके फ्रंट में देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप कोई भी जो LED टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको नहीं मिलते, इसमें बस आपको इसमें जो हाई बीम लाइट है वो आपको मिलती है और बाकी जो नॉर्मल बल्ब वाला सिस्टम होता है लाइटिंग है वो आपको मिलता है। इसमें आपको कोई भी जो है फॉग लैम्प्स का ऑप्शन नहीं मिलता और अगर आप इसकी फ्रंट की ग्रिल देखें तो वो भी आपको जो ग्रिल है वो आपको जो हायर वाले वेरिएंट की मिलती है आपको इसमें नहीं मिलती। और उसके बाद अगर आप फ्रंट का बम्पर लेके लेकिन उसमें आपको जो है स्किड प्लेट मिलती है आपको जो है ग्रे कलर की जो कि इस गाड़ी को थोड़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं। फिर अगर आप साइड में आएंगे तो आप साइड में देख सकते हैं कि इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, इसमें आपको नॉर्मल 16 इंच के जो स्टील सिल्वर व्हील्स मिलते हैं और उस पर आपको जो है प्लास्टिक कैप मिलती है सिल्वर कलर की। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी के पूरे सराउंड में आपको जो है प्लास्टिक क्लैडिंग मिलती है। और अगर आप पीछे आएंगे तो पीछे भी आपको LED टेल लाइट्स नहीं मिलती या फिर जो हार्ट बीट टेल लाइट सिस्टम है वो आपको नहीं मिलता। और उसके बाद पीछे जो आपको सिल्वर कलर की लुक आपको बम्पर में मिलती थी या फिर थोड़े बहुत एक्सेंट्स मिलते थे हायर वाले वेरिएंट में वो आपको इसमें नहीं मिलते। और पीछे भी लेकिन आपको एक फॉग स्किड गार्ड मिलता है जो कि इस गाड़ी को थोड़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर देते हैं। फिर इस गाड़ी में आपको कोई भी क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलता और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको स्पॉइलर भी नहीं मिलता और रूफ रेल्स भी आपको इसमें नहीं मिलते। लेकिन इस वाले वेरिएंट में भी या फिर बेस वाले वेरिएंट में भी आपको जो है शार्क फिन एंटीना मिलता है। और आप फिर दोबारा एक बार देख सकते हैं इसकी सारी जो लुक है इसके बेस वेरिएंट की। और इसमें आपको जो मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs आपको मिलते हैं इसमें आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल ORVMs नहीं मिलते और जो टर्न इंडिकेटर्स आपको इसके साइड में मिलते हैं मतलब बॉडी पैनल में मिलते हैं आपको इसके ORVMs में नहीं मिलते। और आप फिर से एक बार देख सकते हैं इसके पूरे एक्सटीरियर की लुक। और अगर आप इंटीरियर में आएंगे तो इंटीरियर जो है इस गाड़ी का आपको फुली ब्लैक कलर का मिलता है जिसमें जो डैशबोर्ड है सीट्स है डोर पैनल्स है वो सब आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं और बाकी जो इसका रूफ लाइनर है या फिर हेडलाइनर है वो आपको बेज कलर का मिलता है। तो अगर आप फ्रंट में देखें इसके डैशबोर्ड में देखें अगर आप बेस वेरिएंट के तो इसमें आपको जो है टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम है इसमें आपको नहीं मिलता, इसमें आपको 2D ऑडियो सिस्टम मिलता है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है और बाकी और भी कोई जैसे USB कनेक्टिविटी भी आपको मिलता है और बाकी ऑक्स वाला प्ले भी मिलता है। फिर जो ड्राइवर जोन है उसमें आपको 3.8 इंच की MID मिलती है जिसमें आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। बेस वेरिएंट में भी जो है आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे स्टीयरिंग पे जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिलते हैं और बाकी चारों विंडोज़ जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको मिलती है। जो इस गाड़ी की सीट्स है वो आपको क्लॉथ में फिनिश मिलती है, लेदर में फिनिश आपको नहीं मिलती और इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है और बाकी अगर आप ये रेयर AC वेंट देखें तो वो भी आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप पीछे देखें तो पीछे आपको इसमें कोई भी जो है रेयर आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता जैसे कि आपको हाइट वाले वेरिएंट्स में मिलता है। और अगर आप इसकी सीट्स देखें तो थोड़ा बहुत इसमें पैटर्न सा बना हुआ है सीट्स में जिसमें वाइट इंसर्ट्स आपको थोड़े बहुत मिलते हैं। फिर जो डैशबोर्ड आप देख सकते हैं फुली ब्लैक कलर का है और ये सिर्फ जो ये वाला वेरिएंट है एचडी वाला वेरिएंट है सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलता है, ऑटोमेटिक है इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता और बाकी इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है और बाकी इसके डोर हैंडल जो कि आपको सिल्वर में फिनिश मिलते हैं तो ये काफ़ी अच्छा किया है किया ने। और ये जो आपको इसमें जो ऑडियो सिस्टम है वो भी आपको मिलता है लेकिन जो ऑडियो सिस्टम आपको बोस का नहीं मिलता, ऑडियो सिस्टम आपको 4 स्पीकर का नॉर्मल वाला मिलता है। और बाकी इसमें जो ड्राइवर सीट है अगर आप ड्राइवर सीट देखें तो आपको वो हाइट एडजस्टेबल मिलती है लेकिन मैनुअली मिलती है ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलती। और बाकी ये हैंड ब्रेक आपको मिलते हैं, कप होल्डर्स आपको मिलते हैं और एक UAE फ़ोन चार्जिंग पोर्ट आपको इधर मिलता है और इस वाले वेरिएंट में आपको जो है वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलेगी। तो जैसे कि मैंने बोला इस वाले वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 9.69 लाख रुपीज़ से लेके
9.99 लाख रुपीस, एक शुरू इंडिया जो 9.69 लाख रुपीस वाला प्राइस है वो इसके पेट्रोल के वेरिएंट के लिए है, और अगर आपको डीजल में चाहिए तो उसका जो प्राइस है वो है 9.99 लाख रुपीस एक शुरू इंडिया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इसके और ज़्यादा वेरिएंट्स के बारे में देखना है, भले अगर आपको एसटीके वाले वेरिएंट के बारे में देखना है, भले अगर आपको जीटीके वाले वेरिएंट के बारे में देखना है, या फिर एकदम आपको इसके सारी डिटेल चाहिए, तो आप प्लीज़ कार वर्सल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही बेस्ट प्लेस है गाड़ियों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए।